अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे एक बार फिर देख के आप काफ़ी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आज मेरे आने से फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आज कैलकुलस की बातें करेंगे। जाहिर है वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट कैलकुलस आई एम श्योर। तो शुरू करते हैं बातचीत इसके बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बातचीत की थी इंटीग्रेशन के हवाले से, और उसमें यू सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो होपफुली वो कॉन्सेप्ट जो थे उस लेक्चर के वो क्लियर हैं आपको, और उसमें आपने प्रैक्टिस भी की होगी काफ़ी, और अब तक कुछ आइडिया हो गया होगा कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। वही बात के दो मतलब होते हैं। वी कैन ट्रीट इंटीग्रेशन एज ज्योमेट्रिकली, वी कैन ट्रीट इंटीग्रेशन एज द एरिया अंडर अ गिवन कर्व, अंडर द ग्राफ ऑफ अ सर्टन फंक्शन। इसके बारे में हमने कुछ अर्से पहले एक लेक्चर में बात की थी, और उसको फिर हमने थोड़ा सा ट्रीट किया था उस कॉन्सेप्ट को, ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेशन के। लेकिन जो डिटेल में हमने टॉपिक जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इसकी, एक और इंटरप्रिटेशन जो है इंटीग्रेशन की, वो थी इन टर्म्स ऑफ एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। हमने कहा था कि जी जो इंटीग्रल्स होते हैं या इंटीग्रेशन जो होती है वो एंटी डिफरेंशिएशन के बराबर होती है। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है, तो कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना होता है, उसको अगर आप उस गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो गिवन फंक्शन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमने बातचीत कर ली है काफ़ी देर, हमने डिटेल में और पिछले लेक्चर्स में भी की थी। अब पिछले लेक्चर में यू सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी हमने, और उसमें वही मेजर टॉपिक था, सिर्फ एक टॉपिक था जिस पे हमने बात की थी, और वो हमने कहा था कि जी जो आपकी है यू सब्स्टिट्यूशन, वो एक तरह से इन अ सेंस इज़ लाइक द चेन रूल दैट वी सॉ फॉर डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस। तो और बल्कि वो भी एक बेसिक आइडिया तो वही है, लेकिन थोड़ा सा जनरल है ये यू सब्स्टिट्यूशन का आइडिया। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फंक्शंस विच आर यू नो प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस, या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का कोई प्रोडक्ट हो किसी और फंक्शन के साथ, तो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, ये सवाल था, और जवाब था जनाब के यू सब्स्टिट्यूशन से इनको इंटीग्रेट किया जाए। तो ठीक है, हमने वो बातचीत कर ली थी, होपफुली आपने प्रैक्टिस किए और अब तक कुछ सेंस डेवलप हो गया कि इंटीग्रेशन क्या होती है और मैकेनिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके, यानी जो फार्मूला टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं कि जी हमें जो याद हो जाने चाहिए, वो होपफुली क्लियर हो गए होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि थ्योरी जो होती है या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझ आने में या उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, टाइम लगता है थ्योरी समझने में। लेकिन ये है कि मैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो याद कर लेने चाहिए, लेकिन कॉशन ये है कि मैकेनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं मैथमेटिक्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें उनको याद करके कर लेना चाहिए, और हमें नोट किया होगा कि हाँ वाकई में जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन उनको वी शुडंट टेक देम एज दी एंड, यानी एंड ऑफ द स्टोरी हमें उसको नहीं कहना चाहिए। यानी जो फॉर्मूले होते हैं दोज आर जस्ट मैकेनिकल थिंग्स विच आर गुड टू नो, दे आर टूल्स दैट हेल्प अस डू थिंग्स, लेकिन थ्योरी जो होती है जो जिसकी हम बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है, उसको भूलना नहीं चाहिए। वही जैसे मैंने कहा कि उसमें टाइम लगता है समझ जाने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन उसको टाइम देना चाहिए, उसको हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि भाई वो समझ नहीं आ रही तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, वो नहीं करना चाहिए, उसको बैक ऑफ द माइंड में रखा करें कि थ्योरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आएगी। और वही बात है कि जैसे जैसे आप मैकेनिकल चीज़ें तो याद हो जाती हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यू स्टार्ट सीइंग कि जी हो हाँ ये थ्योरी जो थी उसका मतलब जो हमने लेक्चर में सुनी बात, या जो हमने कहीं और सुनी इंटीग्रेशन के हवाले से फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ पे हमने एग्जांपल की है, तो अब क्लियर हो गया कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसको ऑलवेज वी शुड कीप दैट इन माइंड। ठीक है जी, तो ये हो गया थोड़ा सा रिकैप पिछले लेक्चर्स का और पिछले लास्ट इमीडिएट लेक्चर का भी। तो अब वही बात है कि इंटेग्रल कैलकुलस हम शुरू कर चुके हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन ही की बेसिक बात होती रहेगी अब अगले कुछ लेक्चर्स तक, तो और उसको हम फर्दर डेवलप करेंगे, इंटीग्रेशन की दोनों चीज़ें देखेंगे डिटेल में। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम देख चुके हैं,
कि मैकेनिकल टेक्निक्स क्या होती हैं फॉर फाइंडिंग इंटेग्रल्स, या इन अदर वर्ड्स के एंटी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि हम पहले भी कह चुका हूँ कि ये दोनों एक तरह के एक ही चीज़ है, एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इज द सेम थिंग, आमतौर पर इंटीग्रेशन ही बोला जाता है। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो एरिया वाली बात हमने एक लेक्चर में की थी कुछ अरसे पहले, तो उसका क्या मतलब, उसका मकसद क्या है, यानी उसकी थ्योरी क्या है, वो कहाँ से आई थी, और वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो एसेंशियली द क्वेश्चंस दैट अकर इन साइंस वो यही होते हैं कि इनके बैकग्राउंड क्या है इन प्रॉब्लम्स के, और इनके इनको फर्दर कैसे डिवेलप किया जाए। तो वो अभी हम डिटेल में देखना शुरू करेंगे। उसमें हमने देखा था एक लेक्चर में जिसमें हमने एरिया की बात की थी अंडर द कर्व, और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। उसमें हमने कहा था कि जी वो न्यूटन की और लीबनिट्ज़ की एक बात की थी कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था, कि एक फंक्शन ओरिजिनली तो मालूम नहीं है, उसका ड्रिविटिव मालूम है, तो हम ड्रिविटिव को इंटीग्रेट करके ओरिजिनल फंक्शन की बात करते थे। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो अब ये है कि इस आइडिया को हम फर्दर डिवेलप करना चाहते हैं, कि हम ये देखना चाहते हैं कि जी ये एरिया अंडर द कर्व वाली जो बात हम करते हैं इंटीग्रेशन के हवाले से, कि इंटीग्रल्स जो होते हैं या इंटीग्रेशन जो होती है उसको एरिया अंडर अ सर्टेन गिवन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है, तो वो कैसे होता है। तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी हम डाइग्रेशन करेंगे इस वाले लेक्चर में। उसके बारे में, उस थ्योरी को फर्दर डिवेलप करने के लिए हमें कुछ कैलकुलस से हट के कुछ थ्योरी है जो इंट्रोड्यूस करनी होगी, और ये बातें जो आज हम करेंगे इस लेक्चर में वो आप पहले भी देख चुके हैं मुझे यकीन है, प्री कैलकुलस या अलजेब्रा में। तो उसमें उसकी हम डिटेल आज देखेंगे, और वो थ्योरी क्या है। वो थ्योरी तो बेसिकली नहीं है, इतनी थ्योरी भी है लेकिन बेसिकली टेक्निकल बातें हैं जो कुछ हमें देखनी होंगी, और वो जिस जो टेक्निकल बातें आज हम बात जिसकी करेंगे दैट्स कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। आई एम श्योर यू हैव सीन इट एट वन टाइम और अनदर इन योर लाइफ। तो आइए इसको देख लेते हैं कि आज सिग्मा नोटेशन की बात करेंगे तो इनके इस सिग्मा नोटेशन का के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। तो जनाब, सिग्मा नोटेशन में आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि सिग्मा नोटेशन होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जी एक इंडेक्स होता है इस नोटेशन का, उसको देखेंगे कि, और उसमें ये होगा कि सिग्मा नोटेशन जो है इसको हम समेशन के तौर पर भी कभी कभी पढ़ते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जी इंडेक्स ऑफ समेशन क्या होता है और उसको चेंज कैसे किया जाता है। ये ऑफ कोर्स वील सी दैट इन डिटेल, तो समझ आएगा कि बात क्या हो रही है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सिग्मा नोटेशन की, के जी सिग्मा नोटेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद आखिर में कुछ चंद फार्मूलाज हम देखेंगे समेशन के, यानी ये जो सिग्मा नोटेशन में कुछ फार्मूलाज हम लिखेंगे उनको डिटेल में हम ट्रीट करेंगे और देखेंगे वो क्या होते हैं। अच्छा, तो अब ये सिग्मा नोटेशन जो है ये क्या है। तो इसमें सिग्मा जो है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें जो एक सिंबल होता है उसको सिग्मा कहते हैं। इट्स अ सिंबल फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, यानी जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एस, तो एस जो है वो एक लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। और भी हैं ए बी सी डी वगैरह वगैरह, ये सारे लेटर्स हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इसी तरह से जो सिग्मा है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक सिंबल है, लेटर है ग्रीक लैंग्वेज में, और इसको मैथमेटिकली हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इससे डिनोट करते हैं कुछ ख़ास चीज़ें। तो वो चीज़ें क्या हैं वो अभी हम देख लेते हैं। आपने यकीनन किसी एक स्टेज पे कुछ ऐसे सम्स देखे होंगे, यानी कुछ ऐसे सम्स जो बहुत लंबे चौड़े होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब आप 1 से लेकर 100 तक जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है जी, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, खाली रियल नंबर्स नहीं, इंटीजर्स यानी 1, 2, 3, 4 ऑल द वे टू 100, इनको आप ऐड करके रिजल्ट बताइए क्या आता है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जाहिर है। तो थोड़ी देर के लिए आदमी सोचता है कि हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कि अभी देखते हैं कि करते कैसे हैं इसको। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1 से लेकर 100 तक आप सारे जो इंटीजर्स हैं इनको ऐड करें, तो सबसे पहले बात होगी कि आप लिखेंगे कैसे इनको। यानी शीट ऑफ पेपर पर जब अटैम्प्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स ज़ाहिर है लिखी जाए तो आसानी से अटैम्प्ट की जा सकती है। तो आप लिखेंगे कि जी 1 प्लस 2
प्लस डॉट डॉट डॉट, विच ये जो डॉट्स होते हैं बीच में ये डिनोट करते हैं ऑल द नंबर्स फॉलोइंग द नंबर टू ऑल द वे टू 100. तो हम लिखेंगे 1 प्लस डॉट 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 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 100. तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा ये जो लिखा है मैंने द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100. ठीक है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सम है. इसको कॉम्पैक्टली लिखने का कोई और तरीका है? यानी ठीक है, एक तरीका तो ये कि हमने लिख दिया 1 से लेके प्लस करके और ये जो अभी देखा हमने, दैट वॉज वन वे ऑफ राइटिंग डाउन और पोर्ट्रेइंग द आइडिया दैट वी आर ट्राइंग टू सम ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 100. इसको एक और तरीका भी लिखने का जिसको अभी हम देख लेते हैं. इससे पहले कि हम देखें, ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम अभी लिखी हमने 1 से लेके 100 तक इंटीजर्स को ऐड करने की, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? मेरे ख्याल से मैंने पहले भी ये नाम मेंशन किया है, जर्मन मैथमेटिशियन गाउस नाम था उनको. हम कभी कभी गॉस भी पढ़ते हैं, जी ए यू डबल एस, लेकिन आई थिंक जर्मन में इसको गाउस के तौर पे प्रोनाउंस किया जाता है. तो गाउस साहब जो थे, ही बेसिकली वॉज एक्चुअली पूरी तारीख में मैथमेटिक्स की गाउस, आर्किमिडीज जिन्हें हम अर्शमीदस भी कहते हैं, और न्यूटन, ये तीन मैथमेटिशियंस हैं इन द नोन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जिनको एक ख़ास क्या कहना चाहिए पोजीशन हासिल है. यानी ये तीन चैम्पियंस कह लें मैथमेटिक्स के ऐसे हैं जो थ्रू आउट हिस्ट्री इररेलेवेंट ऑफ एनी टाइम पीरियड्स स्टैंड आउट एज बीइंग ग्रेट मैथमेटिशियंस. ये इन तीनों को एजाज़ हासिल है. और क्यों हासिल है? कि इन्होंने जो काम किए देवर वंडरफुल वर्क्स, ऐसे काम थे जो इनके वक्त से काफ़ी आगे के थे. देयर माइंड्स यूज टू वर्क वे अहेड ऑफ टाइम और बहुत ही क्रिएटिव मैथमेटिक्स इन्होंने डिवेलप की. ठीक है, तो गाउस तो एक तारुफ तो ये हो गया कि जी वेरी यू नो प्रोलिफिक एंड वेरी क्रिएटिव मैथमेटिशियन. उसके अलावा ये कि इनकी खासियत थी कि बचपन से ही ऐसे थे. इनकी कहानी ये मशहूर है कि जनाब ये पैदाइशी इनको कुछ इनकी डिस्पोजिशन थी टूवर्ड्स मैथमेटिक्स. और कहानी कुछ यूँ है कि जब 3 साल के थे गाउस, तो इनके जो वालिद थे वो कोई एक फोरमैन थे किसी कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी गालिबन ऐसी कुछ, कंपनी क्या होगी कोई लेबर यूनियन वगैरह, उसमें ये फोरमैन थे. तो ही वॉज बेसिकली हैंडिंग आउट सैलरीज टू हिज एम्प्लॉज़. तो इनके ये जो गाउस साहब थे 3 साल के थे उस वक्त, तो उनके साथ खड़े हुए थे ये अपने वालिद के. तो हिज फादर बेसिकली हैंडेड आउट सैलरी टू वन पर्सन. तो गाउस कहता है 3 साल के थे, कहते हैं कि जनाब ये आपने गलत काउंटिंग की है, सो यू शुड काउंट द मनी यू गेव योर एम्प्लॉई. हिज फादर वॉज एक्चुअली अमेज्ड कि ये 3 साल का बच्चा ऐसे क्या पता. तो ही सेड ओके जस्ट इन केस चेक कर लेते हैं. तो उन्होंने जी वो पैसे वापस लिए, काउंट किए, तो वाकई एक गलती निकली काउंटिंग में. तो हिज फादर वॉज वेरी अमेज्ड कि ये 3 साल का बच्चा इतनी कॉम्प्लिकेटेड, जाहिर है सिंपल तो है लेकिन 3 साल के बच्चे के लिए इट्स कॉम्प्लिकेटेड काउंटिंग, तो हाउ कुड ही डू दैट. तो यहाँ जाहिर होता है कि गाउस हैड अ वेरी बॉर्न टैलेंट, यानी इनबॉर्न टैलेंट था उसके अंदर कि फॉर डूइंग मैथमेटिक्स. खैर ठीक है, ये भी एक कहानी होगी, लेकिन असल मकसद क्या था गाउस के बारे में बात करने का मेरा, वो ये था कि अभी जो हमने जैसे सम देखा था, एक लिखा हुआ था कि 1 से लेके 100 तक इंटीजर्स को ऐड करें, तो ये सम कहानी ऐसे है कि जब गाउस 5 साल के थे तो उन्होंने इनके वालिद ने इनको एक स्कूल में दाखिल कराया लोकल. तो वहाँ पे जो स्कूल टीचर थे वो कुछ कहते हैं कि बड़े जालिम किस्म के थे. उन्हें शौक था कि जी वो बच्चों को बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम्स दे देते थे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चों को, और कहते थे कि इनको करो. 1 घंटे का पीरियड होता था और टीचर साहब उनको इतनी मुश्किल प्रॉब्लम देते थे कि बच्चे उस पीरियड में करते रहते थे लेकिन उनसे हल नहीं होते थे. और इस दौरान ये था कि टीचर साहब रिलैक्स करके आराम से कुर्सी पर बैठ के आराम करते थे, चाय वाय पीते होंगे जो भी. तो खैर ये इनकी कहानी थी कि ऐसे टीचर इनको मिले गाउस को. तो एक दिन ये हुआ कि गाउस साहब जब गए क्लास में तो टीचर ने कहा कि भाई आज इन बच्चों को कैसे एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए. तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करें बच्चों, सब लोग 1 से लेके 100 तक जितने भी इंटीजर्स हैं इनको ऐड करो और मुझे रिजल्ट ला के दो क्या है. तो लगता तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आसान है कि 1 से लेके 100 तक ऐड करना इंटीजर्स, लगता आसान है, लेकिन आप करना शुरू करें तो आपको एहसास होगा कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. यानी बहुत लंबा चौड़ा एक सम है. यानी आप पहले 1 को 2 में ऐड करेंगे, उसके रिजल्ट को 3 में ऐड करेंगे, उसके रिजल्ट को 4 में करेंगे, 5 में करेंगे, इस तरह करते करते 100 तक. काफ़ी लंबा काम है.
कंप्यूटर पे तो जल्दी से हो जाता है, लेकिन हाथ से करना काफ़ी मुश्किल है। तो उसमें ये कहानी है कि बच्चे सारे जो थे क्लास में, उन्होंने कहा ठीक है, दे टुक आउट द पेपर्स, वो स्लेट्स होती थी, चौक निकाली, उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया। अब जाहिर है स्लेट पे कर रहे हैं तो एक हद तक करते होंगे, इरेज करके जवाब कहीं लिख लेते होंगे, फिर पूरी कैलकुलेशन उसके बाद शुरू करते होंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस था। लेकिन 5 मिनट ही गुजरे होंगे इस सवाल को पोज किए हुए टीचर ने जो किया था, तो टीचर साहब ऐसे बैठे हुए थे रिलैक्स, तो कहते हैं गाउस 5 साल के थे, उठ के आए, उन्होंने स्लेट ऐसे रखी डेस्क पे और कहते हैं कि हेयर इट लाइज। अब ये भी एक तरह का ड्रामेटिक सा ओवर ड्रामेटाइजेशन है कि 5 साल का बच्चा ऐसे डायलॉग कहाँ बोलेगा कि हेयर इट लाइज। तो लेकिन मकसद ये है लोगों का इस तरह की कहानियाँ बनाने का कि वो कहानी तो सच्ची है लेकिन ये डायलॉग प्रॉब्ली उन्होंने नहीं बोला होगा। वो ये है कि ही वॉज सो ब्रिलियंट कि 5 मिनट में उसने जवाब ला के लिख दिया और जवाब बाकी सही भी था। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये जवाब था क्या और कैसे उन्होंने डिराइव किया, और 5 मिनट में खाली, और वो भी 5 साल के बच्चे ने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी जो हमारे लिए रेलेवेंट थी कि वो यही सवाल था जो अभी मैंने लिखा था स्क्रीन पे, उसको उन्होंने 5 मिनट में कर दिया था। खैर ठीक है, ये तो कहानी हो गई, गुड टू नो। इसमें बाद में और देखेंगे क्या इसकी डेवलपमेंट्स हुई थी, लेकिन ये है कि सवाल ये है कि इस सम को, हमारा मकसद ये था कि जो पूरा सम लिखा था 1 से लेकर 100 तक का, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो उसके लिए नोटेशन जो अभी हमने इंट्रोड्यूस की थी सिग्मा की, जो मैंने कहा था ग्रीक लैंग्वेज में एक लेटर है, उसको हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो हम इस्तेमाल करते हुए इस पूरे सम को कॉम्पैक्ट तरीके से एक छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं। और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स के आप लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी चीज़ों को अगर छोटा करके लिख दें तो थिंग्स बिकम वेरी ईजी, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेक प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये सम है क्या, कैसे हम इसको, ये जो सिग्मा है ये है क्या, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं कॉम्पैक्ट तौर पे लिखने के लिए लार्ज सम्स को। तो एक तो एग्जांपल अभी हमने देखी, इसको हम मज़ीद देखेंगे। एक और सम देखिए आपके सामने है, इसको देख लीजिए कि अगर हम सम करना चाहें, पहले 5 नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक, और इनको इंडिविजुअली स्क्वेयर करना है और फिर इनके रिजल्ट्स को ऐड करना है। यानी मकसद ये है कि मैं करना चाहता हूँ 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, और पहले यानी इनको ज़ाहिर है हम स्क्वेयर करेंगे फिर रिजल्ट को ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो नोट करें कि जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी स्क्वेयर्ड हैं, तो यानी ये भी कहा जा सकता है कि अगर इनकी ईच टर्म को मैं किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूं तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं वेरिएबल को अगर को इस्तेमाल करूं तो उस वेरिएबल को मैं वैल्यू दे सकता हूं उस इंटीजर की, पर्टिकुलर जो भी इंटीजर होगा, और वो इंटीजर्स कौन से होंगे, इस केस में 1 से लेकर 5 तक इंटीजर्स होंगे, और वो जो के होगा, के जो वेरिएबल है वो टेक ऑन करेगा इन वैल्यूज़ को इन द रेंज इन अ रफ सेंस, नॉट इन द प्रॉपर फंक्शन सेंस, लेकिन रेंज 1 से लेकर 5 तक में इस वेरिएबल की वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ठीक है, वेरिएबल असाइन कर दिया, अब क्या होता है? तो इससे ये होगा कि के से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इन नंबर्स को 1 से लेकर 5 तक, तो उसका फ़ायदा ये है कि के को अगर मैं स्क्वेयर करूँ तो एक तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो सम था वो कहना क्या चाह रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कंसिडर के स्क्वेयर वेयर के इज़ इन द रेंज 1 थ्रू 5, तो बेसिकली मैंने यही आइडिया कन्वे किया है कि के स्क्वायर जो है वो 1 स्क्वायर हो सकता है, 2 स्क्वायर भी हो सकता है, 3 स्क्वायर भी हो सकता है, 4 स्क्वायर भी हो सकता है, और 5 स्क्वायर भी हो सकता है। क्योंकि के स्क्वायर मेरे पास है, के की वैल्यूज़ अगर मैं 1 से लेकर 5 तक डालूंगा, मेरे पास ये जो सम लिखा हुआ था और थोड़ी देर पहले, उसकी इंडिविजुअल टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब ये है कि इनको ऐड करना है, ज़ाहिर है प्रॉब्लम तो ये थी कि ये स्क्वायर्स आ गए हमारे पास, तो इसको ऐड भी करना था इन्हें। तो के स्क्वायर जो मैंने किया है, तो इसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे? तो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सिग्मा नोटेशन जो हमने बात की थी कि ये हम यूज़ कर सकते हैं टू राइट लार्ज सम्स इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं कि चूँकि हमने के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वान्टिटीज़ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर तक, हम स्पेसिफाई कर चुके हैं, अब इन्हें ऐड करना है। तो हम लिखेंगे सिग्मा जो है ग्रीक, उसको लिखेंगे,
और इसके नीचे हम लिख देंगे के इक्वल्स वन, और इसके ऊपर वाले हिस्से पे हम लिख देंगे फाइव, और सिग्मा के साथ हम लिखेंगे के स्क्वेयर। और ये सिंबल जो है, अब इसको हम रीड इसको पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, इसको हम पढ़ेंगे एज समेशन ऑफ के स्क्वेयर वेयर के गोस फ्रॉम वन टू फाइव। तो ये एक कॉम्पैक्ट तरीका है सम को, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा देखा था, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम वन थ्रू फाइव, उसको कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने के लिए हमने सिग्मा नोटेशन इंट्रोड्यूस की और एक वेरिएबल केस इंट्रोड्यूस किया था, और हमने कहा कि के स्क्वेयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वो उन पांच वैल्यूज़ को जो हमारे पास आई थी, वन स्क्वेयर, टू स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर, फोर स्क्वेयर, फाइव स्क्वेयर, और अब इनको ऐड करना है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं समेशन, सिग्मा लिखा था उसको हम पढ़ते हैं समेशन के तौर पर, और उसमें हम वैल्यूज़ हमने जो वन से लेके फाइव तक असूम करेगा के, वो भी सिग्मा के सिंबल के साथ हम लिख देते हैं एज k equals 1 to 5 और साथ में k square। तो इसको अगर हम ये भी देखें कि जो k equals 1 to 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेंज जिसमें k वैल्यूज टेक ऑन कर सकता है। तो एक एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं इस जो जिनमें हमारे पास कुछ सम्स होंगे, ठीक है, लंबे से थोड़े, और उनको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे यूजिंग सिग्मा नोटेशन। तो आइए देखते हैं, देख लें कि अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ क्यूब्स ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 4 टू ऑल द वे टू द इंटीजर 8, तो बेसिकली द सम दैट आई विल गेट इज 4 क्यूब्ड प्लस 5 क्यूब्ड प्लस 6 क्यूब्ड प्लस 7 क्यूब्ड प्लस 8 क्यूब्ड। इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम, तो सिग्मा नोटेशन से हम लिखेंगे एंड वी विल राइट दिस एज समेशन, यानी जब मैं सिग्मा को पढ़ूंगा तो मैं इसको समेशन के तौर पर पढ़ूंगा। तो इसको पढ़ सकते हैं समेशन ऑफ के क्यूब्ड फ्रॉम के इक्वल्स 4 टू 8। ठीक है जी, ये वही बात है जैसे पहले हमने लिखा था, उसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि जो अब चूंकि हम क्यूब्ड इंटीजर्स की क्यूब की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल के ले लेते हैं जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा इन द रेंज 4 थ्रू 8, और उनको हम चूंकि क्यूब कर रहे हैं तो k के ऊपर हम क्यूब की वैल्यू क्यूब डाल देते हैं, यानी कि हम k का क्यूब लेना चाहते हैं, और एज k टेक्स ऑन वैल्यूज इन द रेंज 4 थ्रू 8, और जब समेशन यानी सम कर रहे हैं उसके बाद हम उन वैल्यूज को, क्यूब्स जब आ जाते हैं नंबर्स के उनको हम ऐड करते हैं, तो उस एडिशन को, उन समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिग्मा लिख लेते हैं हम साथ में k क्यूब्ड के, और रेंज लिख देते हैं कि k गोस फ्रॉम 4 टू 8। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ पे अब अगर ऐसा है कि मैं पहले लिख लेता हूँ एक समेशन, उसको एक्सपेंड करके देख लेंगे कि उसकी वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं लिखूँ समेशन फ्रॉम k इक्वल्स 1 टू 5 ऑफ 2k, 2 टाइम्स k, तो इसको देखें कि इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, यानी उलट चल रहा हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे k की वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ k के अंदर, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 2 टाइम्स 1, क्योंकि लो ये जो नीचे वाली वैल्यू है रेंज, जो k की रेंज है उसमें k इक्वल्स 1 जो है वो पहली वैल्यू है, तो वो पहले मैं डालता हूँ इस फार्मूला में, तो रिजल्ट आता है 2 टाइम्स 1। अब चूंकि सम हो रहा है, समेशन हो रहा है, तो आई हैव टू ऐड दिस टू द नेक्स्ट टर्म विच विल बी 2 टाइम्स k इक्वल्स 2, तो ये 2 टाइम्स 2 हो जाएगा। अब ये सारा ऐड होगा रिजल्ट टू द प्रोडक्ट 2 टाइम्स 3, क्योंकि k की वैल्यू 3 है, एंड सो फोर्थ। तो आखिर में ये देखिए, सिंपल सी बात है कि दिस इज जस्ट द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली उल्टा प्रोसेस किया कि समेशन लिखा था, समेशन फॉर्म में एक फार्मूला लिखा हुआ था जिसको मैंने एक्सपेंड करके देखा कि ये सम कौन सा सम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक चीज़ होगी जो एक्सपीरियंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकेंगे खुद ही, कि अगर आपके पास एक समेशन लिखा हुआ है, एक फार्मूला और समेशन उसके साथ, यू विल बी एबल टू सी राइट अवे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा सम रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था समेशन 2k फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ k, तो सिंपल सी बात थी कि 2k रिप्रेजेंट्स एन इवन नंबर, इवन इंटीजर इन द गिवन रेंज फॉर k। एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मैं लिखता हूँ समेशन फ्रॉम k इक्वल 0 टू 5 ऑफ द क्वांटिटी, एक तरीका पढ़ने का ये भी है इसको,
summation k equals 0 to 5 of the quantity minus 1 to the power k times 2k plus 1, that will just equal to 1. Agar k equals 0 aap dalenge to result 1 aa jayega. Agar k equals 1 dalenge to result aayega minus 3. Minus isliye ki minus 1 pe power hai k ki aur k agar 1 hai to plus ki bajaye aapke paas minus aa jayega. Aur isi tarah se aap k ki values dalenge to you will see that you get 1 minus 3 plus 5 minus 7 plus 9 minus 11. Achha ji, to ye ho gayi kuch examples of summations and how we write them and what they represent. To ab kuch technical details bhi baat inki bhi baat kar lete hain. Ab ye jo summation humne likha hai isme kuch technical terminology hai jisko hame introduce karna chahiye aur usko zehen mein rakhna chahiye. Ek to ye ki ye jo summation sigma sign tha jisko hum summation padhte hain isme k ki kuch values likhi thi niche aur upar, yani k niche likha tha k equals सम नंबर, टॉप पे लिखा था सम एक और नंबर इंटीजर लिखा था. तो इनको हम एक ख़ास नाम देते हैं. जो नीचे लिखी होती है वैल्यू उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द समेशन, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं दी अपर लिमिट ऑफ द समेशन. तो लोअर लिमिट, अगर मैं आगे चल के कहूँ कि जी लोअर लिमिट ये है, तो मेरा मतलब ये है कि लोअर लिमिट ऑफ द समेशन यानी जो लोएस्ट वैल्यू है के की वो क्या है, और अपर लिमिट से मुराद है कि मैक्सिमम वैल्यू के क्या टेक ऑन कर सकता है, वो अपर लिमिट हो जाएगा. अच्छा, ये जो के है ये क्या चीज़ है? के बेसिकली इज द इंडेक्स, जिसमें थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इंडेक्स की बात करेंगे, चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ अ समेशन. तो उससे पहले इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है जो आप अपने समेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स इन अ सर्टन इंटरवल. या इंटरवल से मुराद मेरी के इन अ सर्टन रेंज. ठीक है, इंटरवल ज़रा टेक्निकल मीनिंग है, उसको हमने भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सम अदर रीजंस. एक रेंज की बात कर रहा हूँ. तो जैसे के था एक वेरिएबल तो हमने इस्तेमाल किया था, तो वो वेरिएबल जो है इसको अब हम इंडेक्स का नाम दे देंगे. तो द वेरिएबल यूज इन द समेशन इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द समेशन. उसके अलावा अब ये है कि अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखी उसमें हमने इंडेक्स को हमेशा के की वैल्यू असाइन की थी, यानी हमने कहा था के इज़ द इंडेक्स. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप के हमेशा लें, यानी जैसे हमने कहा था समेशन के स्क्वेयर फ्रॉम के इक्वल्स 1 to 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि समेशन आई स्क्वेयर्ड, लेटर आई स्क्वेयर्ड आई इक्वल्स 1 to 5. तो के की बजाय आई भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, जो दिल चाहे आप लेना चाहें वो ले सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर ये जो इंडेक्स की बात हो रही थी डिफरेंट टाइप के हम ले सकते हैं, तो इसके कुछ समेशंस हैं जो आप देख लें, ये सारे बराबर हैं. फ़र्क इतना है कि इनमें इंडेक्स डिफरेंट इस्तेमाल किया गया है. तो इसमें देखें कि एक समेशन तो मैं लिख सकता हूँ समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स 1 to 4 ऑफ 1/i. एक ये आपके पास समेशन फार्मूला आ गया. दूसरा है समेशन एन इक्वल्स 1 to 4 ऑफ 1/n. और तीसरा फार्मूला है जनाब समेशन जे इक्वल्स 1 to 4 ऑफ 1/j. अब मज़े की बात यह है कि ये सारे समेशन हैं, लेकिन ये एक ही सम को डिनोट कर रहे हैं, और वो सम है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4. तो ये एक आपने देखा कि इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फार्मूला जो है जो वो उस फार्मूला जो है वो डिफाइन करता है कि सम क्या है. यानी ये जो हमने अभी देखी एग्जांपल के, ये डिफरेंट फार्मूले थे जो थे उनके अंदर इंडेक्स डिफरेंट था, लेकिन जो फॉर्म थी फार्मूला की वो एक ही थी. यानी बेसिकली डिवीजन ऑफ सब, यानी फ्रैक्शंस की बात हो रही थी कि आपके पास सम ऑफ सर्टन फ्रैक्शंस आना चाहिए था. और ये जो हमने तीन समेशंस देखे, दे ऑल रिप्रेजेंटेड द सेम सम. अच्छा, अब टेक्निकल बातें हो रही हैं, तो एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए कि अगर आपके पास एक समेशन है, तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हों, यानी दोनों की वैल्यू एक ही आए, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस देन? तो उसका जवाब ये है कि अगर आप सम कर रहे हैं फ्रॉम के इक्वल्स 1 to 1 ऑफ के, तो क्या जवाब आना चाहिए? इसमें सिंपल सी बात है, आप वैल्यूज़ डालना शुरू कीजिए. पहली वैल्यू क्या होगी? k की 1, क्योंकि आप k इक्वल्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं.
सेकंड वैल्यू क्या होगी, चूंकि इंटरवल 1 से लेके 1 तक है, सेकंड वैल्यू 1 ही होगी. सो व्हाट डू वी गेट, वी जस्ट गेट 1. आई मीन लाइक वी शुड स्टॉप राइट देयर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो लोअर लिमिट है और जो अपर वैल्यू फाइनल वैल्यू जो होती है बराबर हैं. तो यू बेसिकली सेइंग कि आप एक टर्म आपके पास आ रही है जो बाय इटसेल्फ स्टैंड करती है एज अ सम, कह सकते हैं एज अ सम, बट इट्स बेसिकली वन वैल्यू. मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई कहे कि जी फाइंड द सम, यानी समेशन k इक्वल्स 2 ऑल द वे टू 2 ऑफ k क्यूब्ड, तो इसमें देख लें कि आप k इक्वल्स 2 पहली वैल्यू डालेंगे तो 2 टू द पावर 3 आ जाएगा. अब इसमें प्लस करके एक नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए थी, लेकिन नेक्स्ट टर्म जो है वो है ही नहीं कोई और, क्योंकि 2 और 2 के दरमियान कोई और इंटीजर है ही नहीं. तो यू बेसिकली स्टॉप राइट देयर एंड देयर फॉर यू जस्ट गेट द रिजल्ट समेशन k इक्वल्स 2 ऑल द वे टू 2 ऑफ k क्यूब इक्वल्स 2 टू द पावर 3. ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है. अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास समेशन हो फ्रॉम इन अ सर्टन रेंज, लेकिन जो आपका इंडेक्स है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि आप एक वेरिएबल इंडेक्स नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टेंट टर्म है आपके समेशन में, तो उसमें क्या होगा. यानी मिसाल के तौर पर देख लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल करके, कि अगर आपके पास समेशन है i इक्वल्स 1 से लेकर 5 तक, और आप ले रहे हैं इस समेशन को ओवर 2, तो क्या जवाब आएगा. यानी इस एग्जाम्पल में ये देखें कि समेशन तो आप ले रहे हैं i इक्वल्स 1 से लेके 5 तक, लेकिन जो इंडेक्स है वो i है, लेकिन जो फार्मूला आपके पास है समेशन के साथ में उसमें i इन्वॉल्व नहीं है, इट्स ओनली अ नंबर 2. तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा. ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, जो भी फार्मूला दिया हुआ है आपके पास समेशन के साथ और उसमें चूंकि इंडेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसी फार्मूला को उतनी बार ऐड कर लीजिए जितनी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है इंडेक्स की. यानी इसी एग्जांपल को अगर देखें तो देखिए कि आप समेशन कर रहे थे i इक्वल्स 1 से लेके 5 तक ऑफ द नंबर 2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. यानी आप उसी ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम एक फार्मूला के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं जिसमें इंडेक्स जो है वो नहीं है ऑफ द समेशन, यानी इंडेक्स ऑफ द समेशन इज एब्सेंट फ्रॉम दिस फार्मूला 2. सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट ऐड द फार्मूला टू इटसेल्फ 5 टाइम्स. इन दिस केस द फार्मूला हैपेंस टू बी अ नंबर 2, सो वी ऐड 2 5 टाइम्स टू इटसेल्फ. फार्मूले का यूज करने का क्या मकसद था मेरा यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं. एक एग्जांपल देखिए कि अगर आप समेशन करना चाहें k इक्वल्स 3 से लेके 6 तक ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पे एक फार्मूला है x क्यूब, लेकिन नोट करें कि इसमें k इन्वॉल्व नहीं है, इंडेक्स जो है वो k है लेकिन x क्यूब में कोई k कहीं भी नहीं है, लिहाजा आप यही करेंगे कि x क्यूब को ऐड कर लेंगे टू इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, यानी 3 से लेके आप 6 तक जा रहे हैं, तो पहले k इक्वल्स 3 के लिए पहले एक दफ़ा लिखिए x क्यूब, फिर k इक्वल्स 4 के लिए आप x क्यूब लिखें, फिर k इक्वल्स 5 के लिए एक x क्यूब लिखें, और k इक्वल्स 6 के लिए एक x क्यूब लिखें, और इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास ये 4 x क्यूब्स आते हैं. सो यू बेसिकली गेट 4 x क्यूब्ड. अच्छा, अब ये है एक बात कि समेशन जो आपकी जो सम होता है सिग्मा नोटेशन में जो आप लिखते हैं, इसको कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है. यानी मिसाल के तौर पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर आप ये कुछ समेशन लिखे हुए, पहला जो है वो है समेशन k इक्वल्स 1 टू 5 ऑफ 2k, ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो इसका रिजल्ट आता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स. लेकिन यही जो सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स है, इसको मैं एक और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक और समेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और वो इस तरह से कि अगर मैं लिखूँ समेशन k इक्वल्स 0 टू 4 of the formula involving the index, और जो formula होगा वो होगा 2k plus 2. तो go के मेरा index अब k equals 0 से start कर रहा है बजाय 1k, और जा रहा है 5 all the way up to 5 की बजाय 4 तक, तो उसके बावजूद ये formula जो है मुझे sum देगा of the first 5 even integers, और आप try कर लीजिए k की value substitute करेंगे इसके अंदर, so you will see that you get the first 5 even integers added together. एक और तरीका इन्हीं को लिखने का है समेशन k इक्वल्स 2 ऑल द वे टू 6 ऑफ द फार्मूला 2k माइनस 2, एंड दैट आल्सो गिव्स यू द सेम सम.
अच्छा ऐसा करते हैं कि इंडेक्स की बात हो रही है तो चेंज ऑफ इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स जो होता है उसको अगर हम चेंज करें इन समेशन तो क्या होता है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में भी। अगर हम ऐसा कहते हैं कि जी हेयर्स एन एग्जांपल, यानी इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये है इस एग्जांपल में कि एक्सप्रेस समेशन के इक्वल्स 3 ऑल द वे टू 7 ऑफ विद द फार्मूला 5 टू द पावर के माइनस 2 इन सिग्मा नोटेशन सो दैट द लोअर लिमिट इज 0 रादर देन 3। तो मकसद ये है कि इसमें सिर्फ लिमिट चेंज करना है, इंडेक्स जो है आपका इसमें वो जे है आपके पास के है, और इसको आपको इस तरह चेंज करना है कि जे के जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 की बजाय 0 से स्टार्ट हो। अपर लिमिट पे कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ लोअर लिमिट पे है कि वो 0 से स्टार्ट हो। तो कैसे करेंगे, तो इसमें ऐसा करें कि एक नया इंडेक्स डिफाइन करें और उसमें हम देखेंगे कि उस नए इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस ओरिजिनल सिग्मा, ये समेशन में जो लिखी हुई है प्रॉब्लम फार्मूला, इसको एक और सिग्मा नोटेशन में लिख सकेंगे जिसमें इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो कैसे होगा वो आइए देखते हैं। देखिए कि अगर मैं एक नया इंडेक्स डिफाइन करता हूँ जे, और उसको मैं असाइन करता हूँ वैल्यू के माइनस 3, यानी जिसका मकसद ये भी हुआ कि के जो है वो जे प्लस 3 की बराबर है। तो नोट करें कि एस के रन्स फ्रॉम 3 टू 7, जे रन्स फ्रॉम 0 टू 4। ये सिंपल सी बात है, के को अगर 3 रखेंगे तो जे 0 हो जाएगा, के को 7 रखेंगे तो जे 4 हो जाएगा। तो लिहाजा अब हम लिख सकते हैं जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी समेशन के इक्वल्स 3 टू 7 ऑफ 5 टू द पावर के माइनस 2, वी कैन राइट दैट एज समेशन जे इक्वल्स 0 ऑल द वे टू द नंबर 4। तो अब इस समेशन जे इक्वल 0 से 4 तक जो लिखा है इसके साथ अब हम लिखेंगे 5 टू द पावर जे प्लस 3 माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो जवाब आएगा समेशन जे इक्वल 0 टू 4 और 5 टू द पावर जे प्लस 1। तो ये इस तरह से आपने एक इंडेक्स भी चेंज कर दिया और उसमें जो उसके लिमिट्स थे, लिमिट कह लीजिए अपर और लोअर लिमिट, वो भी चेंज कर दिए। तो ये तरीका था इंडेक्स चेंज करने का। अब इसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कि जो दो समेशन हमने लिखे हैं इनको आप अगर एक्सपेंड करें तो सम जो आएगा, जो सम्स आएंगे आपके पास, वो दोनों बराबर आने चाहिए। इसको आप चेक ज़रूर कर लीजिए, इट विल शो यू दैट देयर एक्चुअली द सेम थिंग। तो दो डिफरेंट फार्मूला समेशन के विद डिफरेंट इंडेक्स रिप्रेजेंट द सेम सम एंड द समेशन एक्चुअली हैव डिफरेंट इंडिसीज, डिफरेंट लिमिट्स ऑल्सो। तो लेकिन वही बात है कि डिफरेंट समेशन से आप एक ही फार्मूला भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। अभी तक हमने नंबर्स की बात की थी, अब हम कहते हैं हम जनरल टर्म्स को के सम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 को रिप्रेजेंट करना, यानी A सबस्क्रिप्ट 1 प्लस A सबस्क्रिप्ट 2 प्लस A सबस्क्रिप्ट 3, इसको सम के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, तो वो मैं कैसे करूँगा यूजिंग सिग्मा नोटेशन। इसको मैं ऐसे करूँगा कि मैं लिख लूँगा जनाब समेशन के इक्वल्स 1 टू 3 ऑफ ए सबस्क्रिप्ट के, और यहाँ पे के की वैल्यूज़ अगर आप सब्स्टिट्यूट करें 1 से लेके 3 तक तो आपके पास वही रिजल्ट आता है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यानी ये एक तरीका है जनरल, ये A1 A2 A3 कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन रिप्रेजेंट एनी इंटीजर्स और समथिंग, लेकिन ये कि जनरल टर्म्स में आप इनको ऐसे लिख सकते हैं समेशंस की टर्म में। इसको जनरलाइज अगर आप करें कि आप सम करना चाहते हैं B1 से लेके BN तक कोई टर्म्स हैं जिनको आप सम करना चाहते हैं, तो सिग्मा नोटेशन में आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से समेशन के इक्वल्स 1 टू n ऑल द वे टू n ऑफ बी सबस्क्रिप्ट के, इसमें आप k की वैल्यूज डालें 1 से लेके n तक, तो रिजल्ट आता है b1 प्लस b2 प्लस ऑल द वे टू बी सबस्क्रिप्ट n। अच्छा, अब इस सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं सिग्मा नोटेशन की, तो इनको देख लेते हैं और इनको एक थ्योरम की फॉर्म में देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या हैं, ये हैं जनाब के आपके पास अगर समेशन दी हुई है के इक्वल्स 1 से लेके एन तक और एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है आपके फार्मूला को या जनरल टर्म को ए सबस्क्रिप्ट के को, तो दिस विल इक्वल टू द कांस्टेंट फैक्टर्ड आउट ऑफ द समेशन एंड यू टेक द समेशन फ्रॉम के इक्वल्स 1 टू एन ऑफ द
फॉर्मूला विच इज़ ए सबस्क्रिप्ट के. सिमिलरली ये आपके पास अगर समेशन है ऑफ टू फॉर्मूलाज ए के प्लस बी के और इनका आप सम ले रहे हैं फ्रॉम के इक्वल्स वन टू एन, तो यू कैन ब्रेक दिस सम ओवर द प्लस साइन एंड यू गेट टू डिफरेंट समेशंस फ्रॉम के इक्वल्स वन टू एन एंड दोज टू समेशंस आर एडेड टुगेदर टू गिव यू द फाइनल रिजल्ट. यही फार्मूला जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए अपने डिफरेंस के लिए अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है. तो ये आपके थ्योरम की फॉर्म में तीन प्रॉपर्टीज आ गई समेशंस की. इनको प्रूफ भी किया जा सकता है लेकिन हम करेंगे नहीं. इनका प्रूफ एक्चुअली बाय द वे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. यू आर वेलकम टू लुक एट इट एंड यू विल सी कि ये काफ़ी ईजी सा प्रूफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा. इट्स डूएबल. आई लेट यू डू इट योर सेल्फ. हम आगे चलते हैं और एक कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सिग्मा की. अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो सिग्मा नोटेशन में लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं. ये आगे चले काफ़ी हेल्पफुल होंगे. सो लेट्स लुक एट दीज थिंग्स. ये आपके पास जनाब थ्योरम की फॉर्म में ही है. और पहला फार्मूला जो है वो कहता है कि समेशन ऑफ के इक्वल्स वन टू एन ऑफ के इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऑल द वे टू द नंबर एन. यानी बेसिकली वही चीज़ है जिसकी हमने गाउस के हवाले से बात की थी कि सम द नंबर्स फ्रॉम वन टू एन. अगर यहाँ पे आप एन इक्वल्स 100 कर दें तो आपके पास गाउस वाली प्रॉब्लम आ जाती है. लेकिन ये जो इसके साथ एक फार्मूला लिखा हुआ है that the sum of integers 1 to n is equal to n times n plus 1 divided by 2. तो ये जनाब फार्मूला जो है ये वही फार्मूला है जो गाउस ने डिराइव किया था उस क्लासरूम में बैठे हुए जब वो 5 साल का था. तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी स्पेशल फार्मूला. ठीक है, तो बाकी फार्मूले भी देख लेते हैं. दूसरा फार्मूला है जनाब के समेशन फ्रॉम k equals 1 to n of k square which represents the sum of integers integers from 1 to n squared is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. और जो तीसरा फार्मूला है वो है k equals 1 से लेके n तक समेशन k cube का, which is basically representing the sum of the cubes of the integers from 1 to n. And the formula for that is n times n plus 1 over 2, the whole quantity squared. तो ये जनाब आपका कुछ बेसिक फार्मूलाज हो गए जो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ये लिखे गए समेशन फॉर्म में थे, सो दे आर हेल्पफुल एंड गुड टू नो. अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं टू रैप अप दिस लेक्चर. लेट्स लुक एट दिस. एग्जांपल है जनाब समेशन के इक्वल्स 1 टू 30 ऑफ के टाइम्स के प्लस 1. तो इसको मैं अगर के टाइम्स के प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लूँ टुगेदर, आई विल गेट द समेशन फ्रॉम के इक्वल्स 1 टू 30 of k square plus k. And now I can use the form the property that summation can be distributed over the plus sign to write this as summation k equals 1 to 30 of k square plus summation k equals 1 to 30 of k. Aur ab main ye jo abhi thodi der pehle humne kuch formula dekhe involving summations unko istemal karte hue unke formula jo the simple wo istemal karte hue I can do this calculation and I get the following result that the result should be 9920. अच्छा जी, तो ये भी हो गई example. और अब इसमें एक चीज़ और ये है कि अभी जो हमने example में देखा कि और कुछ formula देखे कि एक तरफ आपके पास sum लिखा हुआ है 1 से लेके n तक और उसकी दूसरी साइड पे एक formula दिया हुआ था. तो जो formula होता है वो हम उसको कहते हैं closed form. ठीक है जी, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सम लिखा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंडेड सा सम 1 से लेके n तक उसको हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ द समेशन. तो ये बेसिक आइडियाज थे इस लेक्चर के. तो आइए इसको ख़त्म करते हैं. ये लेक्चर बेसिकली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था मेरे ख्याल से, कोई इतना डीप थिंकिंग नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मैकेनिकल और टेक्निकल बातें थी. बट स्टिल इसमें यह है कि समेशन लगता सिंपल सी है, ये समेशन चीज़ जो होती है, लेकिन it can get complicated very quickly. थोड़े से आप examples करेंगे और homework करेंगे तो you'll see what I'm saying. लेकिन वही बात है कि overall it's a very straightforward idea. अच्छा जी, तो आप फिर ख़त्म करते हैं इस lecture को और आप practice कीजिएगा, do your homework, और अगले lecture में फिर हमारी मुलाकात होगी. जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.